गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 12 में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना। हमें कोई अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, एटम वाला हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें क्या निकालना है, 4 क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने हैं। तो लिखा है सी पार्ट है, कैलकुलेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है 1s2, 2s2, 2p6 ये दिया है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्वांटम नंबर निकालने हैं। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए निकलता है 2p6 के लिए। तो देखिए ये हो गया p ऑर्बिटल, p में होते 3 ऑर्बिटल, 0 प्लस 1 माइनस 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 6 हो गया, तो सबसे पहले हम निकालते हैं n, n क्या है 2, n आ गया 2, l कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल p है तो जब 1 होता है तब p होता है, l आ गया 1। देन m देखिए, m आप सबको जहां जहां इलेक्ट्रॉन है कैलकुलेट कर लोगे, पहले वाले में थोड़ा सा हमारा कंफ्यूजन हो गया था, उसको ध्यान देना m कैसे निकालना है, तो वहां हमने शॉर्ट ट्रिक से कर दिया था। यहां देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन प्लस 1 में है, तो इसके लिए प्लस 1, इसके लिए प्लस 1, प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2। दूसरा 0 से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 पर रहने दो। माइनस में देखिए माइनस 1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1 और इसके लिए भी माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2, तो प्लस 2 और माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी m कितना आ गया 0। अब देखिए s ये है प्लस हाफ, इसका माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, ये ऑर्बिटल का 0, इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ, ये भी 0, इसका भी प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहां ध्यान दीजिए n 2 l 1, m आ गया 0, s आ गया 0। देन ऐसे ही कोई नेक्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए देखते हैं। सपोज करो सिंपल सा कोई आ गया, थ्री पी वन के लिए कर देते हैं, 1s2, 1s2, 2s2, 2p1, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करना है, तो किसके लिए निकलेगा 2p1 के लिए निकलेगा। सबसे पहले p ऑर्बिटल बना दो, 1, 2, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 1, इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लिए देखो n आ जाएगा, इसके लिए कितना है 2, l कितना आ जाएगा, p ऑर्बिटल है तो 1, m कितना आ गया, एक ही इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लस में है तो 1, देन उसके बाद s क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, तो 1s2, 2s2, 2p1 के लिए आ गया n2, l1, m1, s प्लस हाफ। देन अगला देखते हैं थर्ड, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, तो ये हो गया। इसमें हमें लास्ट के लिए निकालना है d के लिए, तो देखो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये आ जाएगा d में होते हैं हमारे 5 ऑर्बिटल, 1, 2, 3, 4, 5, 0 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लिए देखिए स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या टोटल क्वांटम नंबर ये दिया है 3। देन l एजीमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है d, d कब होता है जो l की वैल्यू 2 होती है, ये आ गया 2। देखो यहां पर वैल्यू बढ़ जा रही है, n 3 आया तो l क्या निकालना है, n माइनस 1, 3 माइनस 1 2, तो अधिकतर बेहतर नहीं, तो इसको आपको खुद ही ऑर्बिटल दिया है तो l वैसे निकाल लोगे। अगला है m, m देखिए इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है 2 है, तो m 2 आ गया, s एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, तो ये हो गया। आप ऐसे ही कुछ अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए होंगे उनका भी आप क्वांटम नंबर निकालोगे, जहां अगर आपको कोई दिक्कत होगी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए मुझे, उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।